टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट, ठीक है। तो हम लोग क्या सीखे हैं कि किसी भी रिएक्शन का अपना एक रेट होता है, ठीक है। तो रेट को निकालने के लिए हम लोग एक रेट लॉ सीखे थे और एक डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट सीखे हैं, ठीक है। तो ऐसा देखा गया है कि जो रेट लॉ का एक्सप्रेशन होता है वो डी ऑफ कंसंट्रेशन बाय डी टी होता है, यानी ऊपर में कंसंट्रेशन होता है, नीचे टाइम होता है, ठीक है। ये होता है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट। और एक और रेट लॉ हम सीखे थे, रेट इक्वल टू के इन टू कंसंट्रेशन का पावर एन, रेट इन टू के इन टू कंसंट्रेशन का पावर एन। तो इस दोनों एक्सप्रेशन में कहीं भी टेम्परेचर का फैक्टर नहीं है, कहीं भी टेम्परेचर का फैक्टर नहीं है, ठीक है। यहाँ जो रेट इक्वल टू के इन टू रेटेंट का कंसंट्रेशन का पावर जो एन है, इसमें जो के है, के क्या था, के है रेट कॉन्स्टेंट, के होगा रेट कॉन्स्टेंट। तो हम ऐसा दिख रहा है कि कहीं भी टेम्परेचर नहीं है, तो रेट को टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, लॉजिकली रेट को टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। बट ऑब्जर्व ऐसा किया गया है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि टेम्परेचर बढ़ाने से आपका रेट क्या होता है, आपका रेट इंक्रीज होता है, आपका रेट इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज कैसे होता है, तो ऐसा देखा गया है कि रेट एट टाइम टी प्लस 10, यानी अगर आपका रेट किसी भी टेम्परेचर पे अगर रेट को हम आरटी बोल रहे हैं, तो अगर आप टेम्परेचर को 10 से इंक्रीज कर दो, 10 से इंक्रीज कर दो, तो वहां का रेट को हम आरटी प्लस 10 बोल रहे हैं, ठीक है। यानी आरटी है रेट एट एनी टेम्परेचर टी, और आरटी प्लस 10 है, आरटी प्लस 10 मतलब 10 इंक्रीज करने के बाद जो रेट होगा उस पॉइंट का रेट बताइए, यानी टी प्लस 10 का रेट है आरटी प्लस 10। इसका रेशियो को म्यू बोला गया है, म्यू का मतलब होता है, इसको बोला गया टेम्परेचर कॉफिशियंट, इसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर कॉफिशियंट। और इसे ऐसा देखा गया है इसका टेम्परेचर कॉफिशियंट का जो वैल्यू है ये 2 से 3 तक वेरी करता है, ये 2 से 3 तक वेरी करता है। अब ध्यान देना, अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाओगे तो एनसीईआरटी में जो डाटा दिया हो उसके अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एनसीईआरटी म्यू के वैल्यू को 2 बोलता है, एनसीईआरटी म्यू के वैल्यू को 2 बोलता है। यानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आर टी प्लस 10 डिवाइडेड बाई आर का जो रेशियो, आर टी का जो रेशियो होगा वो होगा 2। यानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बोला गया है कि आर टी प्लस 10 डिवाइडेड बाई आर टी का रेशियो 2। इसका मतलब समझोगे, इसका मतलब ही बोला है एनसीईआरटी कि अगर आप 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाते हो, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो 10 डिग्री से या फिर 10 केल्विन से, तो आपका रेट डबल हो जाएगा, आपका रेट डबल हो जाएगा। यानी जैसे से आप 10 से इंक्रीज करोगे तो आपका रेट क्या होता है, डबल हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे बेस एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ध्यान देना ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपका रेट को बोला गया है आर नॉट, कब बोला गया है, टेम्परेचर 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री पे आपका रेट को बोला गया है आर नॉट, ठीक है। और आपको बोला गया है कि आपको रेट निकालना है, रेट कब निकालना है, तो रेट निकालना है आपको 120 डिग्री पे, रेट निकालना है 120 डिग्री पे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान देना 30 और 120 का डिफरेंस कितना होता है, तो 30 120 का डिफरेंस कितना होगा, 90 होगा। तो 90 डिग्री का डिफरेंस, यानी टेम्परेचर कितने से बढ़ा है, 90 डिग्री से इंक्रीज किया टेम्परेचर। तो अगर इसको 10 के इंटरवल में ब्रेक करें, हम 10 के इंटरवल में ब्रेक करें, तो 30 से पहले 40 क्या होगा, फिर 40 से 50 क्या होगा, फिर 50 से 60 70 एंड सो ऑन करते करते कहां जाएगा, टिल 120 पे। तो आप देखोगे 10 का फैक्टर कितने बार रिपीट करेगा, तो 10 का फैक्टर रिपीट करने के लिए इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो डेल्टा टी को हम 10 से डिवाइड कर दिए, तो देखा गया कि 10 का फैक्टर कितना है, 9 टाइम्स रिपीट हुआ है। और हमको पता है कि हर 10 के इंक्रीज पे आपका रेट क्या होगा, डबल होगा। तो अगर रेट डबल होगा तो आपका जब 9 टाइम्स अगर 10 बार रिपीट होगा तो आपका रेट 9 टाइम्स डबल हुआ होगा। यानी पहले रेट अगर आर नॉट होगा 30 पे, तो 40 पे क्या होगा, 2 आर नॉट होगा, 50 पे क्या होगा, 2 आर नॉट का डबल कितना होता है, 4 आर नॉट। अगर 50 पे 4 आर नॉट है तो 60 पे क्या होगा, 8 आर नॉट। 60 पे अगर 8 आर नॉट है तो 70 पे क्या होगा, 16 आर नॉट। 60 आर नॉट होगा तो फिर अगर 80 पे कितना होगा, तो 16 का डबल कितना होगा, 32। तो ऐसे करते करते आएगा तो 2 का टर्म कितने बार रिपीट करेगा, तो 2 का टर्म 9 बार रिपीट करेगा, तो क्या होगा, तो नया रेट जो होगा, यानी रेट फाइनल जो होगा, वो रेट इनिशियल यानी इनटू 2 to power 9 होगा। यानी हर 10 के इंक्रीज पे आपका रेट डबल होते चला गया है, तो नेट क्या आएगा, 2 to power 9 आर नॉट, ये होगा आपका रेट फाइनल, ठीक है। तो जब भी अब जैसे जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, तो अगर एनसीईआरटी अगर कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है,
अगर आपका कुछ कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है तो आप बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू को 2 मान लोगे। बाय डिफॉल्ट एनसीईआरटी का डाटा को आपको फॉलो करना है। अगर आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको नहीं दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट को 2 मानना है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपका जो रेट फाइनल होगा उसको आप ऐसे लिंक कर सकते हो, रेट इनिशियल इंटू 2 to power a, और यहाँ पे a क्या है, तो a है एक रेशियो है, a क्या है Δt/10 है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू मेंशन कर देगा, तो अगर मान लो कि 2 से अलावा 2, 3 कुछ भी दे सकता है वो, तो अगर अगर आपके क्वेश्चन में टेम्परेचर कोफिशिएंट मेंशन कर देगा तो आपका उसका वैल्यू को यूज करना। तो उस केस में आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, रेट फाइनल इक्वल टू टेम्परेचर कोफिशिएंट का पावर ए, और यहाँ पे हो जाएगा रेट इनिशियल, यहाँ पे हो जाएगा रेट इनिशियल। ठीक है, तो अभी तक का डिस्कशन में हम लोग सीखे हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से रेट बढ़ता है और रेट का कितने टाइम्स बढ़ता है हम निकालना सीख चुके हैं। ठीक है, अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि आखिर ऐसा क्या फैक्टर है कि टेम्परेचर बढ़ने से रेट बढ़ता क्यों है, क्योंकि हम लोग जो पढ़े हैं कि किसी भी रिएक्शन जो आर से पी जाता है उसका रेट को हम ऐसा लिख सकते हैं, रेट इंटू के आर का पावर एन। यहाँ पे के है रेट कॉन्स्टेंट और आर क्या होता है, आर होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पे एन क्या होता है ऑर्डर। तो हमको पता है कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से आपका एन, तो एन में कोई चेंज नहीं होगा, यानी रिएक्शन का ऑर्डर फिक्स रहेगा। आपके टेम्परेचर के बढ़ाने घटाने से आपके कंसंट्रेशन को फर्क नहीं पड़ता है, वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो आखिर रेट बढ़ता क्यों है, ठीक है, जब हमको जब हम बोल रहे हैं कि आपका ऑर्डर फिक्स रहेगा, आपका कंसंट्रेशन फिक्स रहेगा, टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज करने से इनको फर्क नहीं पड़ता है, तो आखिर रेट बढ़ता क्यों होगा। तो ऐसा देखा गया है कि टेम्परेचर बढ़ने से आपका आर्क रेटेन कांस्टेंट है, तो आखिर ऐसा क्या पॉइंट है कि आपका टेम्परेचर बढ़ने से रेट बढ़ता क्यों है। तो ऐसा देखा गया है, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हम जो के को जो कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट रियली में कांस्टेंट नहीं होता है। आपका जो के है वो रियली में कांस्टेंट नहीं होता है। ए किसी भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट होगा, अगर टेम्परेचर को तुम चेंज करोगे तो के चेंज करेगा। तो ऐसा बोला गया है कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे आपका जो रेट कांस्टेंट उसका वैल्यू भी बढ़ता है, और यही बेसिक रीजन होता है आपके रेट के इंक्रीज करने का। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करो तो क्या होता है, आपका के इंक्रीज करता है, और के इंक्रीज करेगा तो चूंकि रेट में क्या होता है, के मल्टीप्लाइड होता है, तो और के इंक्रीज करेगा तो आपका रेट भी इंक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ने का लॉजिक होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से आपका रेट कॉन्स्टेंट क्या होता है, आपका रेट कॉन्स्टेंट इंक्रीज करता है। ठीक है, इतना क्लियर रहेगा, अब ध्यान देना। तो अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि आपका जो के है, के मतलब रेट कांस्टेंट, वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो डिपेंडेंस ऑफ के ऑन टेम्परेचर, तो हम अभी इतना सीख चुके हैं कि आपका जो के है वो डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर पर डिपेंड करने का जो कंडीशन है उसको देखते हैं। ठीक है, ये कैसे डिपेंड करता है, तो इस डिपेंडेंस के लिए एक आपको इक्वेशन दिया गया था अरहेनियस के थ्रू। तो अरहेनियस एक इक्वेशन दिया जिसको बोला गया अरहेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो अरहेनियस इक्वेशन जो बेसिकली है एक के और टेम्परेचर के वैल्यू को लिंक करता है, यानी के का डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर को लिंक करेगा अरहेनियस इक्वेशन। तो इक्वेशन आपका नीचे यहाँ लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना इक्वेशन में कुछ टर्म्स होगा। तो इक्वेशन में देखना, एक के हो गया रेट कांस्टेंट, तो के इक्वल टू यहाँ पे ए होगा, कैपिटल ए लिखा होगा, और यहाँ पे ई है एक्सपोनेंशियल, ई का पावर माइनस कैपिटल ई ए बाई आर टी लिखा हुआ है। ठीक है, इस टर्म को समझो पहले, इस टर्म को समझो। तो यहाँ पे जो a है, a को बोला गया अरहेनियस कांस्टेंट, या तो बोला गया फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या इसको बोला गया है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अब प्री एक्सपोनेंशियल क्यों बोला गया है, क्योंकि ये e के पहले आता है, यहाँ पे जो e है उससे पहले a आएगा, e मतलब एक्सपोनेंशियल, तो जो a टर्म है e से पहले आ रहा है, इसे इसको बोला गया है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, और यहाँ जो यहाँ पे एक टर्म ea है, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या है, rt है। इतना क्लियर रहेगा, तो इस टर्म को अगर सीखोगे तो यहाँ देखना, तो जो ईए है, ईए को बोला गया है एक्टिवेशन एनर्जी, जो ईए का टर्म उसको बोला गया एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये क्या होता हम आगे समझाएंगे आपको। ठीक है, और यहाँ पे आर क्या होता, तो आपको आर पता है, आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट, जो आप लोग पढ़े होगा गैसीय स्टेट में। ठीक है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है, टी मतलब टेम्परेचर। ठीक है, तो ये आपका टर्म्स हुआ। अब ध्यान देना, यहाँ पे जब आप इक्वेशन यूज करो तो क्या वैल्यू को आपको लेना हो समझो। यहाँ पे यहाँ बताया गया है
कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो आप ई का वैल्यू को लेना जूल में, अगर आप ई एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू को लोगे जूल में, तो उस केस में आपका आर का वैल्यू कितना लेना है आपको, उस केस में आपको आर का वैल्यू लेना है 8.314, और टेम्परेचर किस में लोगे, केल्विन स्केल में। यानी जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस टॉपिक का, तो एनर्जी ले, अगर एनर्जी आप जूल में लोगे तो आर का वैल्यू पुट करना 8.314 और टेम्परेचर पुट करोगे केल्विन स्केल में, ठीक है। और अगर आप एनर्जी को कैलोरी में लोगे, एनर्जी अगर कैलोरी में होगा तो आर का वैल्यू पुट करोगे 2, बेटर वैल्यू होता 1.98, बस उसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 2 पे, ठीक है। और टेम्परेचर पुट करोगे किसमें, केल्विन स्केल में। तो ये हो जाएगा जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैल्यू को लेना है। अब यहाँ ध्यान देना, आपके इस इक्वेशन में एक डॉटेड लाइन होगा, ये देखो डॉटेड लाइन से घिरा हुआ है, ये पूरा का पूरा टर्म्स है, यानी ई टू पर माइनस ए बाय टी, ये इसका भी एक सिग्निफिकेंस होता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, इस एक्सप्रेशन का एक मतलब है। इस मतलब क्या है, फ्रैक्शन ऑफ, तो यहां पे इस एक्सप्रेशन का एक मतलब है, मतलब क्या है, तो इसका मतलब है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, तो इसका मतलब होगा। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कोलिजन थ्योरी, ठीक है, कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी का कुछ एस्पेक्ट्स था, यानी कुछ उसका पोस्टुलेट दिया गया है। तो कोलिजन थ्योरी के बारे में क्या बोला गया है, तो फॉर रिएक्शन टू ऑकर कुछ कंडीशन चाहिए होगा। तो आपको पता है कि जब भी रिएक्शन बनता है, तो रिएक्शन का मतलब बेसिकली क्या होता है, बॉन्ड का रीअरेंजमेंट। जब भी कोई रिएक्शन होगा तो कुछ रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। तो आपका अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो कोई भी रिएक्शन का सिंपल मतलब होता है बॉन्ड्स का रीऑर्गेनाइजेशन। बॉन्ड रीऑर्गेनाइज कैसे करेगा, कुछ बॉन्ड टूटेगा, कुछ नया बॉन्ड बनेगा। तो ध्यान देना, जनरली क्या होता है कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है तो पहला स्टेप होता है बॉन्ड ब्रेकिंग, क्योंकि जब तक आप बॉन्ड ब्रेक नहीं करोगे नया बॉन्ड बनेगा कैसे। तो किसी भी रिएक्शन का जनरली, हमेशा नहीं, कभी कभी आपका पहले बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बट जनरली क्या होता है, मैक्सिमम रिएक्शन का पहला स्टेप क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग। और आपको पता है कि बॉन्ड ब्रेकिंग करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी का कोई क्या बॉन्ड टूटेगा क्या, नहीं। तो आपको एनर्जी, पहला स्टेप में आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्यों, ताकि बॉन्ड टूटे। ध्यान देना, एनर्जी कैसे प्रोवाइड करोगे, तो आप गैसेस, यानी गैसेस रिएक्टेंट बेसिकली गैसेस मॉलिक्यूल्स होता है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे हम लोग एनर्जी ट्रांसफर करने का एक ही तरीका है, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। आप लोग पढ़े होगे थर्मोडायनेमिक्स में कि किसी भी गैसेस स्टेट का जो पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी होता है प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करके ही हम एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं, और भी कोई तरीका नहीं है जिसके हम थ्रू हम एनर्जी ट्रांसफर कर सकते होंगे। पॉइंट ये है कि अगर हमको मॉलिक्यूलर लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर करना है तो उसके लिए एक ही तरीका है, एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी ट्रांसफर कैसे करना है, तो एक ही तरीका है, टेम्परेचर बढ़ा के, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर रिएक्शन को ऑकर करना है तो ऑकर करने के लिए क्या बोले हैं, बॉन्ड टूटना चाहिए और नया बॉन्ड बनना चाहिए। तो बॉन्ड टूटना और बॉन्ड बनने के लिए कॉन्टेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो रिएक्टेंट का अगर कॉन्टेक्ट नहीं होगा तो आपस में लिंक करके पॉड बनेगा नहीं। तो कॉन्टेक्ट के लिए क्या होना चाहिए, तो पहला कंडीशन बोला गया कॉलिजन होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्या बोला गया है कि आपका रिएक्टेंट पार्टिकल मस्ट कोलाइड, और कॉलिजन ही नहीं होगा तो ना बॉन्ड टूटेगा ना बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये पहला स्टेप क्या बोले हैं, कॉलिजन होना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट है, अब कॉलिजन का ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। अगर मान लो कि अगर तुम्हारा मोटो है बॉन्ड, अगर एक प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं रहेगा, अगर रिज्यूम कर लो कि आपको पेन का कैप खोलना है, तो पेन का कैप खोलने के लिए आपको पेन का बॉडी और पेन का कैप को अपोजिट में पुल करते हो, पेन खुलता है। तो और अगर उल्टे में करो आप पेन का बॉडी और पेन का कैप को एक साथ दोनों एक दूसरे तरफ पुश करो तो पेन खोलेगा नहीं और वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनना स्टार्ट कर जाएगा। तो पॉइंट है कि अगर पेन को ओपन करना है तो उसका ओरिएंटेशन एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट में रही है कि अगर कोई बॉन्ड को ब्रेक करना है तो उसको एक दूसरे पुश पुल करना पड़ेगा, एक दूसरे दोनों अगर बॉन्ड्स को पुश करोगे तो बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको कॉलिजन का ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। किसी भी ओरिएंटेशन में अगर कॉलिजन करोगे तो बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है।
प्लस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए। तो अगर मान लो कि बॉन्ड तोड़ने का एनर्जी अगर 100 है और आपका जो कॉलेजिंग का एनर्जी अगर 50 होगा तो बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो बॉन्ड नहीं ब्रेक करेगा। तो अगला पॉइंट है, कॉलेजिंग तो होना ही चाहिए बट कॉलेजिंग का ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए और आपका कॉलेजिंग का एनर्जी भी सफिशियंट होना चाहिए ताकि बॉन्ड टूट जाए, ठीक है। तो इस जिस कॉलेजिंग का ओरिएंटेशन प्रॉपर होता है और उसका एनर्जी सफिशियंट होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग इफेक्टिव कॉलेजिंग। मतलब सारा कॉलेजन आपका रिएशन, आपका सारे कॉलेजन से आपका रेटेंट पार्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, उसी कॉलेजन से रेटेंट पार्ट में कन्वर्ट होगा जिसका ओरिएंटेशन प्रॉपर होगा एंड जिसका एनर्जी क्या होगा सफिशियंट होगा, और उस कॉलेजन को हम बोलते हैं इफेक्टिव कॉलेजन, इसको बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव कॉलेजन, ठीक है। अब ध्यान देना, आपको ये पता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, और बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। यानी बॉन्ड तोड़ने में हमको क्या देना पड़ेगा, हमको एनर्जी देना पड़ेगा, और जब बॉन्ड बनाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी निकलेगा, ठीक है। तो इसको ग्राफिकली दिखाया गया है, तो ग्राफिकली नीचे दिखाया गया, ध्यान देना यहाँ पे इस ग्राफ में लिया गया है आपके वाई एक्सिस पे एनर्जी है और एक्स एक्सिस पे टाइम का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ ए रिटेंड का एनर्जी लेवल है, इसको बोला ए रिटेंड यहाँ पे है, और यहाँ पे जो ER है, ER का मतलब है रिटेंड का एनर्जी फ्रॉम ग्राउंड, यानी एनर्जी का जीरो स्केल पे ER बताएगा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पे एनर्जी ऑफ ए बता रहा है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पर जो ए पी है और यहाँ पे ईपी बताएगा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो इस केस में जूम किया गया है कि प्रोडक्ट का एनर्जी हाइयर है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट, यानी यहाँ जो हम ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं ये डिस्कस कर रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन का, ये जो ग्राफ है ये ग्राफ है एंडोथर्मिक रिएक्शन का, क्योंकि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट हाइयर है एज कम्पेयर टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो ध्यान दोगे यहाँ पे अगर आप R को P में कन्वर्ट करना है तो पहले आपको R का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो R का बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, एनर्जी कम से कम कितना चाहिए, तो कम से कम एनर्जी इतना चाहिए, इसको बोला गया है एक्टिवेशन एनर्जी, इसको बोला गया है एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो यहाँ पे TS लिखा होगा, TS मतलब ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बॉन्ड टूट चुका है, TS मतलब एक ऐसा पॉइंट है जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, वहां पे आपका बॉन्ड टूट चुका है, तो ट्रांजिशन स्टेट पहुंचने के लिए आपके रिएक्टेंट को कम से कम इतना एनर्जी देना पड़ेगा, इसको बोला गया है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे देखना इतना क्लियर रहेगा, तो आपका अगर अब कम से कम आप इतना एनर्जी अगर प्रोवाइड कर दोगे तो आपका रिएक्टेंट यहां से यहां कन्वर्ट कर जाएगा, अगर आप एनर्जी से कम दोगे तो आपका रिएक्टेंट यहां से यहां नहीं जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, तो एक्टिवेशन एनर्जी किसको बोलते हैं कि रिएक्टेंट को कितना एनर्जी हम देंगे कि वो ट्रांजिशन स्टेट के पास पहुंच जाए, ठीक है। और एक यहाँ पे थ्रेशोल्ड है, यहाँ पे लिखा होगा एनर्जी थ्रेशोल्ड, इसका मतलब होता है कि फ्रॉम द बेस लाइन आप नेट कितना एनर्जी उसका है। एक्टिवेशन एनर्जी का कहाँ से मेजर किया गया है, तो रिएक्टेंट के एनर्जी में एक्स्ट्रा कितना ऐड करना पड़ेगा उसको बोला गया एक्टिवेशन एनर्जी, और टोटल एनर्जी जो होता है ग्राउंड लेवल से लेकर एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट तक, इसको बोला गया है एनर्जी थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो ये आपका है, अब यहाँ देना एक्टिवेशन एनर्जी क्या आगे यहाँ पे एक टर्म हम यूज किए एफ, एफ का मतलब होता है फॉरवर्ड प्रोसेस, ये आर से पी जाने का एक्टिवेशन एनर्जी है। कभी कभी हमसे बोल रहे हैं कि बैकवर्ड यानी पी से आर आने का एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, तो यहाँ पे लिखा होगा ये है एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, यानी कौन सा हाइट, तो यहां से लेके यहां तक का जो हाइट है उसको बोला गया एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, ठीक है। इतना क्लियर रहेगा यहां तक में, कोई डाउट किसी को है, यहां तक कोई डाउट किसी को तो पूछ लेंगे हमसे। हेलो सर, टीएस में क्या बॉन्ड जो रिएक्शन का ब्रेक होगा क्या रिएक्टेंट? हाँ, ट्रांजिशन स्टेट का मतलब है कि उस पॉइंट पे सारा बॉन्ड ब्रेक हो चुका रिएक्टेंट का, आप इसको ऐसा ज़ूम करके मान सकते हो अभी के लिए, ठीक है। सर बैकवर्ड में भी वैसे ही, हाँ बैकवर्ड में ही प्रोडक्ट का सारा बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। अच्छा, और कोई डाउट्स? यस सर। और किसी डाउट और कुछ है क्या? नहीं नो सर।
ठीक है ठीक है, तो इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग, चलो ठीक है। तो हम लोग जस्ट अभी डिस्कस किए हैं जो ग्राफ है, ग्राफ रिप्रेजेंट किसके लिए किया गया था, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। तो किसी भी रिएक्शन का जो डेल्टा एच होता है, एंथैल्पी चेंज होता है, उसको डिफाइन किया गया ईपी माइनस ईआर, ईपी माइनस ईआर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो अपने इस अभी जो ग्राफ डिस्कस किए हैं उसमें जो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या हाइयर है एच कम्पेयर टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, आपका डेल्टा एच का जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आएगा पॉजिटिव, ठीक है। अभी जो ग्राफ था उस ग्राफ में वर्ड का एनर्जी क्या था, हाइयर था एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट, तो एनर्जी ऑफ वर्ड माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी जो ऊपर का जो ग्राफ था वो ग्राफ था एंडोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है। अब जो डेल्टा एच को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम, तो आप देखना यहाँ पे आपको डेल्टा एच को यहाँ लिखना हो तो आप यहाँ देखोगे, अगर अगर डेल्टा एच बेसिकली इस वर्ड का एनर्जी लाइन और रिएक्टेंट का एनर्जी लाइन के बीच का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस दिख रहा है आपको ये है डेल्टा एच। डेल्टा एच को निकालने का दो तरीका है, एक है ईपी माइनस ईआर कर देंगे, या फिर आपको कर सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, ठीक है। अगर आप ऐसा भी कर दोगे तो भी आपका डेल्टा एच निकल के आ जाएगा। आपको बेसिकली ये हाइट चाहिए ना, ये हाइट चाहिए होगा आपको, तो आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड को माइनस फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड करोगे एक्टिवेशन एनर्जी का तो भी आपको सेम चीज मिल जाएगा। इसलिए आप एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कि डेल्टा एच को हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी टर्म है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। और ध्यान देना किसी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन का जो डेल्टा एच होता है, डेल्टा एच एक्टिवेशन एनर्जी से कम रहेगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है, अगर सिंपली आपको सिर्फ क्वेश्चन बोला जाए एक्टिवेशन एनर्जी, इसका मतलब होता है आपको फॉरवर्ड का लेना है, क्वेश्चन कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, तो एक्टिवेशन का मतलब होता है फॉरवर्ड, ठीक है। आपको पता है कि डेल्टा एच ए हाइट है, डेल्टा एच ए हाइट है, तो इसका जो वैल्यू है, चूंकि आपको पॉइंट को ऊपर रखना है रिएक्टेंट से, क्यों रखना है पॉइंट को, क्योंकि रिएक्शन टाइप कैसा एंडोथर्मिक है, तो इस केस में ये जो हाइट है यहां से लेके यहीं तक जा सकता है, मतलब यहां से लेके ये यहां से यहां जा सकता है, यानी आपका जो डेल्टा एच का वैल्यू होगा जब यहां होगा तो रिएक्टेंट के साथ मैच करेगा, जब इससे मैच करेगा तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, जीरो। और ये मैक्सिमम कहां से जा सकता है, डेल्टा एच मैक्सिमम जा सकता है अप टू एक्टिवेशन एनर्जी, बट एक्टिवेशन एनर्जी को अचीव नहीं करता है, उससे कम रहेगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए आपका जो डेल्टा एच का वैल्यू होता है वो वैल्यू एक्टिवेशन, वो डेल्टा एच का वैल्यू जीरो से के ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, और एक्टिवेशन से क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन एक चीज ऐसा हो सकता है, इतना क्लियर रहेगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, ग्राफ को स्टडी कर रहे हैं फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो थर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, आपका जो प्रोडक्ट का एनर्जी है, प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट से कम रहेगा, ठीक है। और ये जो गैप है, ये जो गैप का बात कर रहे हैं हम लोग, एक गैप को बोला गया डेल्टा एच। अब जो प्रोडक्ट का एनर्जी कितना कम रहेगा तो कुछ भी हो सकता है ना, तो हम इसमें तीन केस लिए हुए हैं कि अगर प्रोडक्ट का एनर्जी यहाँ पे होगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट का एनर्जी यहाँ होगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट का एनर्जी अगर यहाँ होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे तीन कंडीशन लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो डेल्टा एच है, या तो ये हो सकता है। इसमें कोई इसका प्रोडक्ट का एनर्जी भी नीचे भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे आप इस केस में क्या है, इस केस में वही चीज है। तो यहाँ पे देखोगे इसमें सारा डिस्कशन वही रहेगा, इसमें एक्स्ट्रा बस क्या ऐड कर रहे हैं कि जो आपका डेल्टा एच का, यहाँ पे देखो यहाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है, उसको मॉड लिया गया है ताकि हम इसको कंपेयर कर पाए। तो डेल्टा एच का जो मॉड होता है एक्टिवेशन एनर्जी से कम भी हो सकता है, कम कब होगा, जब ए वैल्यू आप लोगे, तो जब आप ए वैल्यू लोगे तो आपका कम होगा। डेल्टा एच का वैल्यू एक्टिवेशन के बराबर हो सकता है। तो अगर मान लेते हैं कुछ ऐसा केस होगा, मान लो यहाँ से यहाँ तक गया, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ का डेल्टा एच और यहाँ का जो एक्टिवेशन एनर्जी है दोनों आपस में क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल दिख रहा हमको। और अगर तुम इस केस का ज़ूम करोगे तो इस केस में आपका क्या होगा, जो डेल्टा एच का वैल्यू है
वो एक्टिवेशन को क्या कह रहा है, क्रॉस कर जा रहा है। तो इसमें डेल्टा एच का जो मैग्नीट्यूड है वो एक्टिवेशन से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के बर्ड का एनर्जी लेवल कहाँ पे तुम मेंशन कर रहे हो। तो इंडोथर्मी रिएक्शन के लिए ये रिलेशन होल्ड करेगा, बट ये रिलेशन एक्सोथर्मी रिएक्शन के लिए होल्ड नहीं करेगा, थर्मिक रिएक्शन के लिए ये रिलेशन आपका होल्ड करने वाला है। ठीक है,